हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है अपनी क्लास 11th का या कह सकते हैं बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप बेसिक तरीके से जानेंगे कि हमारे जो अकाउंट्स का जो पहला स्टेप होता है, जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग करनी किस बेसिस पे है, क्या उसका आधार होना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। और चैप्टर का नाम है जर्नल, तो आप इसमें सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ये चैप्टर अगर आपको ठीक से आ जाता है तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे पहले हमने अभी तक 7 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा आपके सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप प्रीवियस चैप्टर देखने के बाद अगर इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज के अंदर। चलिए, तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हमें पढ़ना है इसके अंदर जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, कि आप एंट्रीज को कैसे करेंगे। हम इसके डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जर्नल के, क्या फायदे हैं जर्नल के आपके, लिमिटेशंस क्या हैं इसके, क्या नुकसान है, या कह सकते हैं आप इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है हमारे पास, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सिंपल और कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, डिस्काउंट और रिबेट की एंट्री कैसे करनी है आपको, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट में आपको डिफरेंस कैसे करना है एंट्रीज के वक्त, और ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस सच एज बिल्स, परचेजेस, इनवॉइसेस। तो बेसिकली इसने आपसे इतना बोला है कि आपको जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी टर्म से मेजर कर सकते हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, वाउचर्स, कुछ भी हो सकते हैं, उनके बेसिस पे आप जो है इनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आप जो रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास एक स्टेप होता है जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्रीज कहते हैं जिसे हम, एंड दूसरा होता है लेजर बनाना। जर्नल का मतलब क्या है, जर्नल एक ऐसी बुक है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इवन आएंगे, तो आपको ये थ्योरी पे बहुत फोकस करना है। अगर आपने थ्योरी को स्किप कर दिया तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आने वाले, है ना। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो कर लेंगे बट आपको एमसीक्यूज नहीं आने वाले। तो एक जैसे एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि जर्नल को हम क्या कहते हैं, जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, याद रखेंगे बात। और आप जर्नल में किस ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते हैं आप। ठीक है, तो आपको शुरुआत में इनिशियली सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है जर्नल बुक के अंदर। ओके, और आपको यहाँ रूल फॉलो करने हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ आपको, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्रीज, एंड जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस यही है हमारे पास। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये प्राइमरी एंट्री की बुक है या ओरिजिनल एंट्री की बुक है, जिसमें आपको फर्स्ट सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आपने जर्नल एंट्रीज, मान लीजिए जर्नल होता क्या है पहले समझिए, एक किताब है जिसके अंदर आपको सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है सीरियल वाइज, डेट वाइज, जिस डेट को आपका सामान बिका, सामान खरीदा, कोई लॉस हुआ, कोई डिस्काउंट दिया, वो सब आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है एक बुक के अंदर। उस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्नल बुक। अब क्योंकि आप शुरुआत में सबसे पहले रिकॉर्डिंग यहीं पे कर रहे हैं, इसीलिए इस बुक का नाम है जो आप बोल देते हैं ओरिजिनल बुक एंट्री या प्राइमरी बुक एंट्री। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपके पास तो हजार लाखों ट्रांजेक्शन होती है एक साल के अंदर, तो आपके पास एक तरीका तो ये कि आप एक बुक बना ले। एक तरीका ये है कि आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करें। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल जर्नल्स। जब आप सेपरेट जर्नल्स बनाते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसे बोलते हैं हम स्पेशल जर्नल्स। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस बुक्स ही बोलते हैं हम उनको, जिनका हम दूसरा नाम बोल देते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब बात समझिए क्या इसका मतलब है कहने का। मैंने आपसे बताया कि आपके पास एक ऑप्शन तो यह है कि आप एक पूरी की पूरी किताब एक ही बुक बना लीजिए, उसमें सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक बनाइए, उसे हम कह देंगे सेल्स बुक। आप परचेज ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक बनाइए, उसे हम बोल देंगे परचेज बुक। आप कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक बनाइए, उसे बोल देंगे हम कैश बुक। इस प्रकार से आप अलग अलग जब ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स बनाते हैं तो उनको बोलते हैं सब्सिडरी जर्नल्स या फिर स्पेशल जर्नल्स। ओके, स्पेशल पर्पस बुक। जर्नल की डेफिनेशन आपको समझा चुका हूं मैं, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस यूज होने वाले हैं। इसका नाम क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है,
इसके अंदर आप यूज करोगे जर्नल एंट्री, इसका मतलब होता है एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, इट इज अ सिंपल इज इट। जर्नलाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या है? जब आप ट्रांसफर करते हो ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक से ट्रांसफर करके लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब फंक्शंस क्या है जर्नल के? पहला फंक्शन तो है कि आप अपने पास एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड रखना चाहते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स का। दूसरा फंक्शन है कि आप ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना चाहते हैं, इसके बेसिस पे आप लेजर पोस्टिंग करना चाहते हैं। तो मेनली तीन फंक्शंस हमारे पास ये हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि आप डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, और ये हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, ये आपके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद आपको एक नरेशन लिखनी होती है जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन देते हो पूरी एंट्री का, जैसे रेलवेज के अंदर टीसीज जनरेट होती हैं, ठीक है, तो उसमें भी नरेशन लिखी जाती है। तो नरेशन में आप बताते हैं कि एंट्री आपने किस पर्पज से और क्या किया है एंट्री के अंदर आपने। जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच शोज कम्प्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। जर्नल वो रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का जो आपको एक ही एंट्री में सारी चीजें शो कर देता है। जर्नलाइजिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए एडवांटेज क्या है, एक तो सारा डेटा मिल जाएगा आपको सीरियल वाइज, ठीक है, एरर के चांसेस बहुत घट जाते हैं अगर आपने डिटेल में चीजों को रिकॉर्ड किया है। आपको ट्रांजेक्शन की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, जर्नल के साथ आप लिखते हो नरेशन नीचे। लेजर पोस्टिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी और गलतियां निकालने में भी आपको आसानी होगी अगर कोई गलती हो जाती है तो। लिमिटेशंस क्या है जर्नल के? आप बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन आप करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। कैश बैलेंस आपको नहीं पता लगता जर्नल एंट्री करने के बाद। अब ये सब कैसे होता है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, जर्नल बनाने के बाद आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। लेजर क्या होता है? लेजर होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स। मान लीजिए आपने मिस्टर ए के नाम पे 10 15 20 एंट्री कर ली, तो आपको उसका अलग से अकाउंट बाद में बनाना होता है और वो सारी एंट्रीज को आप उठा के मिस्टर ए के अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं लेजर बनाना। तो ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेजर बनाना ही पड़ेगा आपको। फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का ये देखिए आप, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में डेट आती है, सेकंड कॉलम में आप एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं यहाँ पे, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट ऐसे करते हैं, ठीक है। डी आर वर्ड यूज करेंगे आप डेबिट के लिए। लेजर फोलियो आएगा यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें आप वो पेज नंबर लिखते हैं, इसमें आप वो अकाउंट नंबर लिखते हैं जहां पे आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ लेजर का नंबर आता है कि ये एंट्री किस लेजर में पोस्ट की जाएगी, वो आप लेजर फोलियो में लिखते हैं। यहाँ डेबिट अमाउंट आएगा और यहाँ क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये सारी बातें मैंने बता दिया आपको, नरेशन, लेजर फोलियो, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। स्टेप्स क्या होते हैं जर्नलाइजिंग के? एंट्री को जर्नलाइज करने के आपको स्टेप फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट स्टेप कहता है पहले पता लगाइए किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर आप पता लगाएंगे आपको कि नेचर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, एंड आपको रूल लगाने हैं डेबिट क्रेडिट वाले। मैंने आपको दोनों मेथड समझाए थे, ट्रेडिशनल मेथड भी और मॉडर्न अप्रोच भी। आई रिकमेंड यू कि आप मॉडर्न अप्रोच से एंट्रीज को करें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी आपको। उस पर मैंने बताया था आपको एसेट जब बढ़ते हैं, एसेट या एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ेगा तो डेबिट करना है, और अगर आपका एसेट या एक्सपेंडिचर घटेगा तो क्रेडिट करना है। इसके अपोजिट मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज, कैपिटल या प्रॉफिट, इनमें से कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, और अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको समरी समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक समरी प्रोवाइड किया है। देखिए पर्सनल अकाउंट के केस में, रियल अकाउंट के केस में, नॉमिनल अकाउंट के केस में आपको रूल दिए हुए हैं यहाँ पे एलएसी, ठीक है। ये आप रूल पढ़ सकते हैं अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, और मेरे को जो है लगता है कि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा इजी है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट करना है इंक्रीज के केस में, घटेगा तो क्रेडिट कर देना है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना है, घटेगा तो क्रेडिट कर देना है। और बचे हुए तीन ये चीजें हमारे पास ये हैं, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, अगर ये आपके बढ़ते हैं तो इन्हें हम करते हैं क्रेडिट, बढ़ने पे करना है क्रेडिट, और अगर ये घटते हैं तो करेंगे आप डेबिट। अगर आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट फॉलो करना है तो आपको रूल पता होगा, पर्सनल अकाउंट के केस में जब आप किसी के नाम पे अकाउंट खोलते हैं उसमें होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के केस में जिसे हम कहते हैं प्रॉपरली एसेट अकाउंट, उसमें होता है व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपके नाम मात्र के अकाउंट, तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये आप या तो ये फॉलो कीजिए या ये फॉलो कीजिए, दोनों मत फॉलो कीजिएगा बट बड़ा, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ये फॉलो कीजिए, इट इज ईजी एक्चुअली।
जब आपने पता लगा लिया किस अकाउंट से किस अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, देन आप अमाउंट पता लगाएंगे किसको कौन सा अमाउंट देना है, किस अकाउंट में कितने अमाउंट की एंट्री करनी है आपको। देन आपको डेट और मंथ रिकॉर्ड करना है डेट कॉलम के अंदर, और पार्टिकुलर्स के अंदर जो है आप एंट्री करेंगे, और आपको एब्रिवेशन डेबिट के लिए यूज करना है DR, ठीक है, जो बिल्कुल सेम लाइन में लिखा जाता है, और आपको जो है क्रेडिट के लिए यूज करना है CR, ठीक है, टू लगाना है क्रेडिट के, क्रेडिट से पहले टू लगाना होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर किसी ने एसेट खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 10 लाख रुपए का, तो एंट्री आप करेंगे क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड DR लिखा आपने, एंड टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से चला गया, तो क्रेडिट जो जैसे आप करते हैं उसके आगे टू लगाना होता है, एंड टू का टी कैपिटल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर्स, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसे हम बोलते हैं नरेशन। ब्रैकेट में आप बताएंगे कि आपने एंट्रीज किस पर्पज से की है, ये एंट्री जो आपने की है वो किस तरीके से की है, यह आपको नेक्स्ट लाइन में नरेशन में लिखना चाहिए। ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर्स कॉलम टू सेपरेट वन जर्नल एंट्री फ्रॉम द अदर, एक एंट्री को दूसरे से अलग रखने के लिए आपको जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्पेसिमेन दिया गया है किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। डेट कॉलम में आपने ईयर लिखा सबसे टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे आपने डेट डाल दी है विद द मंथ, देन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड के लिए DR आएगा, डी कैपिटल, और ये सेम लाइन में आएगा, देख रहे होंगे आप। नेक्स्ट लाइन में जो आप क्रेडिट करने वाले हैं उसको आपको लिखना है टू मोहन, इसके लिए CR वर्ड मत यूज कीजिएगा क्रेडिट के लिए, ऑटोमेटिकली है कि P आपने टू लगा दिया है तो वो क्रेडिट ही किया गया है। यहाँ पे डेबिट कॉलम में डेबिट के सामने आपने डेबिट अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट लिख दिया, 99% जो है ये अमाउंट सेम रहना चाहिए आपका। 1% जब कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपकी कंबाइंड एंट्रीज होती हैं वहां पे ये अमाउंट ऊपर नीचे लिखेंगे आप, लेकिन सम दोनों का सेम आएगा हमेशा, डेबिट का सम हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। लेजर फोलियो में आपने मेंशन किया है कि कैश अकाउंट की एंट्री आप 53 लेजर में पोस्ट करेंगे, और मोहन के लिए आपने 37 लेजर बनाया होगा, वहां पोस्टिंग करेंगे आप इसकी। लेजर फोलियो इज नॉट प्रैक्टिकली काम का फॉर यू, है ना, आपके लिए ज्यादा काम का नहीं है लेजर फोलियो बनाना या ये एंट्री मेंशन करना। हाँ, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं उनके लिए काम का है, एग्जाम पर्पज से इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, आपको कैश मिला है मोहन से जिसके अमाउंट जो ड्यू था उसके एवज में, ठीक है, तो ये नरेशन है। नरेशन के भी मार्क्स होते हैं, अगर आप नरेशन लिख के नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स काट ले जाएंगे, ठीक है, अगर एंट्री 1 नंबर की है तो हाफ मार्क्स नरेशन का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप टोटलिंग करते हैं, ठीक है, आपने जो जर्नल बनाया है मान लीजिए एक पेज पे 10 एंट्री आ गई है, तो उसका आप टोटल करेंगे, उस टोटल को नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं ये पता लगाने के लिए कि अच्छा टोटल की बात हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे आपने देखा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इनका टोटल जब आप लास्ट में करेंगे हर पेज पे, अगर आप टोटल करते हैं, जर्नल बुक तो बहुत मोटी होती है और आपके ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं, अगर आप हर पेज पे टोटल करते रहेंगे तो गलती की गुंजाइश 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए इसने बोला है कि आपको टोटलिंग करनी होती है। टोटलिंग के लिए अकाउंट्स में एक वर्ड यूज किया जाता है कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग जो है एक वर्ड यूज किया जाता है टोटलिंग के लिए। ट्रांजेक्शन इन बिजनेस आर नॉर्मली वॉल्यूमस एंड रिक्वायर नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जर्नल, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स वन ऑन ईच पेज आर टोटल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज, है ना, आपको टोटल करना है हर एक पेज के अमाउंट का और उसे नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना है। इन द पर्टिकुलर कॉलम अगेंस्ट टोटल द वर्ड टोटल CF कैरी फॉरवर्ड आर रिटर्न, जब आप पर्टिकुलर कॉलम में टोटल करेंगे तो उसको आप नेक्स्ट जब पेज पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको CF लिखना है, C/F दोनों स्मॉल में आएंगे, इसका मतलब है कि आपने इस टोटल को कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे आप जब इस अमाउंट को वापस लिखेंगे तो इसे बोलते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, तो B/F लिखना है आपको, इसका मतलब है कि आपने पिछले पेज का अमाउंट इस पेज के टॉप पे उतार लिया है, ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रांसफर करने का तरीका है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको महा इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है अगर आपको पता नहीं है तो आप एंट्रीज मोस्टली सारी गलत कर देंगे, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए यहाँ पे, इफ अ ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स गिविंग द नेम ऑफ सेलर, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको नाम दिया जाता है सेलर का, परचेजर का, और इट इज नॉट स्टेटेड दैट इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन, अगर आपको सिर्फ नाम दिया गया है सेलर या परचेजर का और आपको ये नहीं बताया गया कि ये कैश ट्रांजेक्शन है तो आप इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के एंट्री करेंगे, इट इज अकाउंटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, गुड सोल्ड टू मोहन, आपको बस ये कहा गया सामान बेचा गया मोहन को, कहीं नहीं लिखा कैश में बेचा गया
या उधार बेचा गया, तो आप इसे उधार ही मानेंगे, बिकॉज कैश कहीं मेंशन नहीं है और पार्टी का नाम गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट गुड्स आर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, तो अकॉर्डिंगली मोहन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। मोहन के अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मोहन अकाउंट डेबिट क्यों करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों करना है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले वाली वीडियो को देख के आए प्लीज। उसके अंदर आपको ये बताया गया था कि डेबिट और क्रेडिट को कैसे आप एंटरटेन करेंगे। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में समझा कि अगर आपको पार्टी का नाम गिवन है और ये बताया नहीं गया है कि वो आपकी एंट्री कैश एंट्री है या क्रेडिट एंट्री है, तो आप उसे क्रेडिट ही मानेंगे। सेकंड, आपके पास जो पॉइंट है काम का, इट में ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स और परचेज गिविंग द नेम ऑफ सेलर और परचेजर स्टेटिंग द कैश ट्रांजेक्टेड। अगर आपको पार्टी का नाम दिया जाता है और क्लियरली बोला गया है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है, तो आपको पार्टी के नाम से मतलब नहीं है, आप उसे कैश ट्रांजेक्शन मान के एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश और अगेंस्ट चेक मीन्स गुड्स आर सोल्ड इन कैश, यानी आपने मोहन को सामान बेचा है और क्लियरली मेंशन है कि कैश में बेचा है, तो उसे आप कैश ही मानेंगे। आप एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ मोहन को डेबिट नहीं करना याद रखिएगा, क्योंकि आपने कैश या बैंक जो है वो माना है, एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। आई रिपीट, अगर आपको ये क्रेडिट और डेबिट कैसे और क्यों हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आए प्लीज। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इफ अ ट्रांजेक्शन ऑफ इज ऑफ सेल्स और परचेजेस एंड द नेम ऑफ सेलर और परचेजर इज नॉट गिवन, इट इज अकाउंटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है सेल परचेज की दी गई है और सेलर या पार्टी का नाम गिवन नहीं है, तो आपको उसे कैश ही मानना है, चाहे कैश वर्ड यूज किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि पार्टी का नाम गिवन नहीं है इसलिए आप उसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानोगे। जैसे गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा गुड्स किसको बेचे गए हैं, तो इसको हम क्रेडिट तो मान ही नहीं सकते, तो इसको हम कैश मानेंगे और एंड आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपको सामान के बदले पैसे मिले हैं, एंड टू सेल्स अकाउंट। अगर एक्सपेंस अकाउंट्स की हम बात की जाए, इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट इज गिवन, एक्सपेंस अकाउंट के केस में अगर पार्टी का नाम दिया गया है जिसको पैसा मिल रहा है या जो पैसा रिसीव कर रहा है, तो भी आप उसे कैश एक्सपेंस ही मानेंगे, पार्टी का नाम वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पर्सनल अकाउंट ऑफ पर्सन रिसीविंग द अमाउंट इज नॉट डेबिटेड, कभी भी उस पर्सन के नाम से आप अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, वो हमारा एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। जैसे आपने सैलरी पे की है रंजन को 5,000 रुपए, तो ट्रांजेक्शन को आप रंजन के नाम पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप रिकॉर्डिंग वही करने वाले हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि सैलरी एक्सपेंडिचर है, वो आपने पे किया है तो उसे आपने डेबिट कर दिया, और कैश आपके पास से चला गया तो उसे आपने क्रेडिट कर दिया। एंड फिफ्थ पॉइंट सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड, ठीक है, अगर किसी इंसान ने कोई पैसा इंट्रोड्यूस किया है एज ए कैपिटल आपके अकाउंट अपने बिजनेस के अंदर, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को जो है ट्रीट करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। और अगर आपने कैश या गुड्स को विड्रॉ किया है, तो आप ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, याद रखिएगा। अगर उसने पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और उसने अगर कुछ विड्रॉ किया है, उसने जो है ड्रॉइंग्स कर ली है, अगर आपको ड्रॉइंग्स और ये वर्ड समझने नहीं आ रहे हैं, तो आप चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखें, उसमें मैंने सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो उसने अगर पैसे निकाले हैं या कोई गुड्स निकाले हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो आप डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को, ठीक है, उस केस में आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।